ओके तो शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो गांधी परिवार के बड़े करीबी, कांग्रेस के इतने पुराने नेता, कहते हैं कि 10 जनपथ में आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनकी आवाजाही बिना अपॉइंटमेंट, बिना रोक टोक होती है। आप ही बताइए। ऐसा नहीं, सब अपॉइंटमेंट से जाते हैं, मैं कोई ऐसा बड़ा वहां पे नेता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहता हूं कि हर पार्टी के साथ ही होता, कोई नई बात नहीं। 77 में इंदिरा जी हारी थी, क्या हालत हुई थी, सब छोड़ गए थे, 90% कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़ के चले गए थे, अकेली इंदिरा जी खड़ी थी, और उस इंदिरा जी ने दोबारा पार्टी खड़ी कर दी, और इसके बाद वो समझ लो कि पूरे भारतवर्ष में उनका राज हो गया, एक दो राज्यों को छोड़ के। तो जिम्मेदार का राज हो गया। देखिए, जिम्मेदार कोई नहीं होते, जिम्मेदार हम सब लोग हैं, राहुल गांधी नहीं है। नहीं, राहुल जी पे आप अकेले क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं, हमारी सबकी उतनी जिम्मेदारी बनती है। आपको लगता है राजीव जी, कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करने और जिंदा करने के लिए अब प्रियंका गांधी ही एकमात्र सहारा बचती है, उनका चेहरा अगर आगे किया जाए तो कांग्रेस को वही पुराने दिन दोबारा देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि गांधी परिवार का अपना एक महत्व है, और उस दृष्टि से जो तीनों चेहरे हैं हमारे लिए बहुत मजबूत हैं, चाहे सोनिया जी का हो, चाहे राहुल जी का हो, चाहे इंद्र, चाहे प्रियंका जी का हो, और ये अगर ज्वाइंट फेस रहते हैं चुनाव में, तो उसका बहुत असर पड़ता है। ओके।